अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय डिलीशियस रेसिपी। आज हम बनाने जा रहे हैं रेस्टोरेंट स्टाइल बिरयानी, जो कि बहुत ही मज़ेदार और लजीज बनती है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने एक कढ़ाई लेनी है, इसमें पानी ऐड करना है और हल्दी पाउडर, नमक, ज़ीरा और अदरक ऐड करनी है। लहसुन पेस्ट डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। प्याज और चिकन डाल दें और अच्छी तरह मिक्स कर लें। ढक दें और हल्की आंच पर 5 से 6 मिनट के लिए पका लें। फिर तेज आंच पर 2 से 3 मिनट के लिए पका लें और साइड पर रख दें। एक पतीले में कॉर्न ऑयल ऐड करें, हरी इलायची ऐड करें, बड़ी इलायची ऐड करें, साबुत काली मिर्च ऐड करें, लौंग ऐड करें, दालचीनी और तेज पात डालकर मिक्स करें। धनिया पाउडर ऐड करें, लाल मिर्च पाउडर ऐड करें, गरम मसाला पाउडर और काली मिर्च पाउडर डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लें और 2 मिनट के लिए पका लें। टमाटर डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। दही शामिल करें और अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब कुक चिकन मिक्सचर डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें और 4 से 5 मिनट के लिए पकाएं। हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्च डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। और अच्छी तरह इसे पकाएं, ऑयल सेपरेट हो जाए। आलू बुखारा डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। एक बॉल में आधा चिकन मिक्सचर निकाल लें और साइड पर रख दें। फ्राइड प्याज, बॉइल्ड चावल ऐड करें। बाकी बची हुई चिकन ग्रेवी ऐड करें। फ्राई प्याज ऐड करें, बिरयानी मसाला ऐड करें, लेमन स्लाइस ऐड करें और बॉइल किए हुए चावल ऐड कर दें। केवड़ा बाटर में जर्दा रंग डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। अब ये मिक्सचर जो है वो हम चावल में डाल देंगे और फ्राई की हुई प्याज ऐड करेंगे। हल्की आंच पर 10 से 12 मिनट के लिए हम इसे स्टीम देंगे। तो ये लीजिए, हमारी मज़ेदार सी झटपट रेस्टोरेंट स्टाइल बिरयानी बिल्कुल रेडी है। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आएगी। चलती हूँ, फिर आऊँगी एक अच्छी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।